हेलो सब लोग, यह काले स्थेसिस है। जीतने की अविश्वसनीय इच्छा के बावजूद कुछ एथलीटों को अभी भी अच्छे कारणों से मैच में बाधा डालनी पड़ती है। आप रेफरी को और कैसे समझा सकते हैं कि खिलाड़ी ने पेनल्टी क्षेत्र में गिरने की नकल की। यहां लुई वान गाल की अभिनय कुशलता निश्चित ही अद्भुत है। कोचों के लिए अपने छात्रों को फाइनल जीतने पर बधाई देना कितना अच्छा लगता है। क्या आप अपने आप को इकट्ठा कर सकते हैं दोस्तों? असफल प्रयास के बावजूद भी कई लोग इस एथलीट को बधाई देना चाहेंगे। क्या आपने कभी वॉलीबॉल में ऐसा कुछ देखा है? जर्मन राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी टोबियास क्रिक अविश्वसनीय किक का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी यह पोल वॉल्ट ही नहीं है जो पुरुष दर्शकों के दिल को ठंडा कर देता है जितना कि इसकी तैयारी। इटली की गोरखा मारिया रोबर्टा ने इसका पूरा प्रदर्शन किया। एक चीनी स्नूकर फैन का झटका भी कम आश्चर्यजनक नहीं था। 4 रिकोशेट के बाद गेंद अभी भी जेब में घूमती है। बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे कि एक खूबसूरत एथलीट को किसी भी असफल प्रयास के लिए माफ किया जा सकता है। जापानी लॉन जंपर यूरी ओकामुरा इस बात की ज्वलंत पुष्टि हैं। टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं अक्सर उत्सुक स्थितियों से भरी होती हैं। उनमें से एक हांगकांग टीम के खिलाफ खेल में दक्षिण कोरियाई एथलीटों के साथ हुआ। यह एक और पुष्टि है कि रेसिंग ड्राइवरों की टीम में नेविगेटर एक अनिवार्य कड़ी है। उनके सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन के तहत ड्राइवर उच्च गति पर कठिन खंडों को पार। फ्रांसीसी स्कीयर मैक्सेन मुजातन 360 डिग्री का मोड़ बनाकर और उतरना जारी रखते हुए ट्रैक और हमें उम्मीद है कि जीत के बाद वह फाइनल में अपनी जीत का जश्न मनाने वाले टेनिस खिलाड़ी हम सभी जानते हैं कि थाई मुक्केबाजी में दो एथलीटों के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन यह लड़का ये लोग प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि बहाव क्या है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लॉन टेनिस के नियम ग्रिड डिजाइन में इतनी सटीकता यह लड़का बिल्कुल जानता है कि अप्रत्याशित रूप से लेकिन
लेकिन अगर आप मार्शल आर्ट में ऐसे विकास की उम्मीद कर सकते हैं तो फुटबॉल में यह। मुझे यकीन है कि उसे स्कूल में ज्यामिति में एक महान भाग्य के साथ साथ अविश्वसनीय चपलता ने उसे गंभीर गिरा। यह प्रशंसक अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था कि उसके पास स्पाइडरमैन रिफ्लेक्सेस वाला एक लड़का था। शायद खेल के इतिहास में यह सबसे आक्रामक तरीके से ली गई गेंद है। जब उनके माता पिता ने उनकी पहली बाइक खरीदी तो उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि इसका क्या परिणाम होगा। यदि आप नहीं जानते कि फुटबॉल के इतिहास का सबसे खराब गोलकीपर कैसा दिखता है, बस इस वीडियो को देखें। क्लिफ जंपिंग हमेशा एक अत्यंत चरम खेल नहीं है, विशेष रूप से कुछ शर्तों के तहत। यह स्पष्ट रूप से भूल गया कि मुड़ने से पहले गति धीमी करनी पड़ती है। जब आप भक्ति के बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गए हो तो अंत ऐसा ही महसूस होना चाहिए। फुटबॉल खिलाड़ी नकली चोटें लगाना पसंद करते हैं और इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से फाइट क्लब मूवी से प्रेरणा ली है। कभी कभी फिगर स्केटिंग बर्फ पर हल्के ब्रेक डांस में बदल सकती है। यह लड़का 6 सेकंड से भी कम समय में 15 गेंदें फेंकने में सक्षम है। ऐसा तब होता है जब आप हॉकी खेलने के ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं कि आपका दस्ताना भी आपके बजाय पक्स को हिट कर सकता है। आखिरकार परफेक्ट शो के लिए सही ढंग से उतरना ही काफी नहीं था। लेकिन छलांग से पहले इस लड़की की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। प्रतियोगिता से पहले उत्साह एथलीटों के अनुभव को देखते हुए इसे समझा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि लाइटनिंग मैकक्वीन के बारे में कहानियां धीरे धीरे एनिमेशन की दुनिया से सिनेमा की दुनिया में स्थानांतरित हो रही हैं। यह वह क्षण है जब आप न केवल पिंचर हैं, बल्कि कैचर भी हैं, और उसके हाव भाव को देखते हुए वह इस बात से खुश नहीं है कि उसने टीम में बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हैं। वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थी कि बेसबॉल के नियमों के तहत बंद हेलमेट की मांग की गई। कुश्ती में सबसे अप्रत्याशित और सबसे तेज जीत। और यह भी झूठ मत बोलिए कि आप महिला एमएमए में वही दृष्टिकोण नहीं देखना चाहते। अब आप इस बारे में अधिक जान गए हैं कि प्रशंसक किस प्रकार अपने आदर्शों से आगे निकल जाते हैं। टेनिस खिलाड़ी एम्मा राडुकानु ने दर्शक को अपने साथ खेल खेलने की अनुमति दी, लेकिन वह लगभग तुरंत ही हार गई। और इसीलिए एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब विरोधी आपके पैरों के नीचे आ जाता है। स्नूकर में एक स्कोर की गई काली गेंद के लिए 7 पेनल्टी अंक दिए जाते हैं, लेकिन देखो यह झटका कितना अविश्वसनीय साबित हुआ।
यह ज्ञात नहीं है कि टीम के शुभंकर पर जुर्माना लगाया गया है या नहीं, लेकिन उनका समर्थन कभी कभी एथलीटों के लिए आवश्यक होता है। उसी समय अन्य लोग समर्थन के बिना काम कर सकते हैं। मुख्य बात सही साउंड ट्रैक का होना है। ऐसा लग सकता है कि मैच पहले ही हार चुका है, लेकिन स्थानीय टीम का एक खिलाड़ी अविश्वसनीय थ्रो के साथ खेल को ओवरटाइम में डाल देता है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल जीवन हैक्स में से एक लक्ष्य के पीछे छिपा है। यह यादृच्छिक वायरल वीडियो का एक संग्रह है जिसका आप एक साथ आनंद ले सकते हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहें, कृपया सदस्यता लें।